दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। अपने सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, अपने आप को तकलीफ के आग में झोंकना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के नंबर एक के अमीर व्यक्ति इलन मस्क के बारे में और उनकी लाइफ के कुछ पागलपन भरे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को आखिरी लाइन तक सुनना, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। और वीडियो पसंद ना आया तो बिंदास दिल खुलकर डिसलाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका वक्त खराब किए हुए हम इलन मस्क के बारे में शुरू से जानेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 50 साल पहले से, जब साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को इलन मस्क का जन्म हुआ। इलन मस्क के पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। इलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा से ही किताबों के आसपास दिखे जाते थे। दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए इस बुक को 3 दिन में ही खत्म कर दिया। और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटेटिव गेम डिजाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। ऐसी कुछ अजीब वो गरीब किस्सों से भरा है इलन मस्क का बचपन। कहते हैं कि इलन मस्क के पास फोटोग्राफिक में भरी हुई थी, यानी कि जो भी चीज एक बार देख लेते तो याद हो जाती थी। ये बात तो आपने तो सुने ही होंगे कि बचपन में इलन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और उन्हें तब तक मारा था जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए तो उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था और इस वजह से उनका कोई दोस्त नहीं था और इसलिए यह बंदा अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजारता था। इलन के भाई बताते हैं कि इलन 7-8 साल की उम्र से दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। दोस्तों, अभी मैं जो आपको कहने वाला हूँ ये आपको थोड़ा मजाक लगेगा, पर यह सही किस्सा है। बचपन में यह बंदा किसी से बात करते करते अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में उनके माँ बाप को लगा कि इलन ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया और ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उनको पता चला कि उनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उन्हें आसपास की आवाजें तक सुनाई नहीं देती। दोस्तों, 17 साल की उम्र में इलन ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए और वहाँ उनके कुछ अच्छे दोस्त भी बने। उसके बाद 1995 में इलन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और उस वक्त 1995 में इलन ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 लॉन्च कर दिया, जैसे कि आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया और इसमें इलन का शेयर $22 मिलियन का था। अब इलन मस्क एक मल्टीमिलियनर बन गए और फिर उन पैसों में से 1999 में $10 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए इलन ने X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई और आगे चलकर X.com PayPal बनी। 2002 में eBay ने PayPal को $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया और इस डील के बाद इलन को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, बता दूं कि इलन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। दोस्तों, पेपाल की इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल मानिया का, मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेपाल को बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई जिसमें SpaceX, LinkedIn, YouTube जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल है। पेपाल के बाद इलन मस्क के पास काफी पैसे आ चुके थे, अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए यह बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट का $8 बिलियन का प्राइस सुनकर यह बंदा खाली हाथ वापस चला आया और आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि अब रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार तो हार का भी सामना करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना चालू किया और साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिश करने के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबते हुए नजर आ रही थी। एक समय तो ऐसा भी आया था कि जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे हुए थे और दोनों भी कंपनीज डूबते हुए नजर आ रही थी, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन थे, SpaceX में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दूं या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दूं। पर ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली उनका 4th रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ उनकी किस्मत भी, जिसने उनके डूबते सपनों को पार करा दिया। SpaceX की कामयाबी को देखकर नासा ने उन्हें 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। SpaceX और टेस्ला के साथ साथ इलन मस्क के कई सारी कंपनीज है जिसमें द बोरिंग कंपनी, जो कि ट्रैफिक कम करने पर कई सारे जगहों पर वर्ल्ड क्लास टर्नल बना रही है। इलन मस्क 2016 में न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगे हुए है। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों, देखा ना आपने
किस तरह से एलन मस्क अलग अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं। दोस्तों, जहाँ पर किसी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म होती है, वहाँ इस बंदे की सोच शुरू होती है, और यही बात उन्हें एलन मस्क से द एलन मस्क बनाती है। और इस बात से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले बंदे कुछ बड़ा कर पाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एलन मस्क की ये लाइफ स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।